में ठीक है तो इसको पहले लिख दीजिएगा ये डिवाइड में है पावर माइनस हो जाएगी एक्स पावर टू प्लस थ्री एक्स स्क्स अगेन ये क्या निकला है डी वाई बाई डी एक्स अगेन डिफ्रेंसिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू तो एक्स अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू तो एक्स दोबारा इसको डिफरेंशियट हम करने जा रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस लगा है तो इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको अलग करेंगे तो आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर लॉग एक्स देखिए हम चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर काम ले लेते ऐसे एक्स स्क्वायर कामल ले लेते हैं ले 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 और ब्रैकेट में बचता वन प्लस थ्री लॉग एक्स और इसको एक मानते इसको दूसरा मानते वैसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो भी एक तरीका है ठीक है ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही कर रहे टू एक्स आएगा प्लस देखिए इसमें अब थ्री को बाहर लिखो फिर ब्रैकेट लगाओ ना करिए आप थ्री एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मानिए और लॉग एक्स को सेकेंड मानिए <coughs> तो क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर तो टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंस वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स यहां देखिए थ्री बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंस टू एक्स इंटू टू एक्स ये डॉट है इंटू है ये डिवाइड में है एक पावर माइनस हो जाएगी तो आएगा टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस ये पहले कर दो सिक्स एक्स Log x ये चूंकि दोनों सेम है तो ये हो जाएगा फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स लॉग एक्स आंसर यहां छोड़ सकते हैं आप और चाहे तो इसे एक्स कॉमन ले लीजिएगा तो फाइव प्लस सिक्स लॉग एक्स लिख सकते हैं तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स समझ में आ रहा होगा बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि डिफ्रेंसिएशन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है अगर क्लियर नहीं है तो हर एक्सरसाइज इसके पहले वीडियो बड़े हुए हैं उन्हें आप देख सकते हैं ठीक है बहुत प्रॉपर्ली मैंने समझाने की कोशिश की है कोशिश इसलिए कह सकते कह सकते हैं कि, कि आप चाहे इतना अच्छा पढ़ाइए कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है तो अब बहुत दिक्कत होती है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्या कह रहा है वाई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स साइन फाइव एक्स ई टू पावर एक्स इन टू साइन फाइव एक्स पहली बात दो फंक्शन है तो यहां मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन e पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन फाइव एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन साइन फाइव एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ईट पावर एक्स ईट पावर एक्स आपको याद होगा सुनिए ध्यान से जब डिफ्रेंसेजन हमने पढ़ाया है उसमें हमने बताया है कि जैसे यहां जब पहुंचेंगे तो मुझे याद आएगा कि भाई साइन एक्स होना चाहिए यहां पर ये एक्स होना चाहिए है नहीं तो जब ये चाहिए तो हमने इसको मन में क्या मान लिया एक्स तो साइन एक्स का कॉज एक्स कॉज एक्स बोले तो जो यहां लिखा है वो इन टू चूंकि ये फाइव एक्स है इसको आपने एक्स माना है तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट करिए तो इंटू फाइव हो जाएगा प्लस यहां पर आइए साइन फाइव एक्स और ईट पॉर एक्स का ईट पॉर एक्स तो आएगा फाइव टू पावर एक्स कॉस फाइव एक्स प्लस टू पावर एक्स साइन फाइव एक्स अब जरा समझिएगा कहीं अगर प्रूफ दिया होगा तो ये चीज क्या लिखी है ये दोबारा वाई लिखी है तो आप इसको वाई लिख सकते हैं ठीक है अभी प्रूफ नहीं है इसलिए हम केवल डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं ऐसा करिएगा कि चूंकि प्रोडक्ट रूल यहां भी लगेगा और यहां भी लगेगा तो ऐसा करो ईट पावर एक्स ले लो ज्यादा ठीक रहेगा फाइव कॉस फाइव एक्स प्लस साइन फाइव एक्स डी वाई बाई डी एक्स अब एक फंक्शन ये हो जाएगा और एक ये पूरा फंक्शन एक साथ हो जाएगा तो इसको जहां पर डिफ्रेंशिएट करना होगा पूरा ब्रैकेट लिखेंगे और जहां पर नहीं करना होगा वहां पूरा ब्रैकेट लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग क्या लिखा जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहां दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन e पावर एक्स इन टू डी बाई डी एक्स फाइव कॉस फाइव एक्स प्लस साइन फाइव एक्स अब यहां पर एक, एक साथ डिफेंश होना है प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है फाइव कॉस फाइव एक्स प्लस साइन फाइव एक्स इन डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स देखिए यहां पर ई टू पावर एक्स लिखा रहने दीजिए यहां अंदर आइए फाइव अब डैड कर रहे हैं हम देखो तो कॉज फाइव एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है यहां पर कॉज एक्स होना चाहिए X क्या लिखा है फाइव एक्स लिखा है हमने फाइव एक्स को मन में क्या माना एक्स कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स बोले तो फाइव एक्स और फाइव एक्स का फिर करेंगे तो फाइव एक्स का क्या आएगा इंटू फाइव प्लस या ये sin 5x को करना है फिर 5x को मन में x माना sin 5x का कॉस 5x cos 5x 5 फिर हम बता दें कि इस 5 का मल्टीप्लाई इसके एंगल में मत कर देना कोण में मत कर देना ठीक है वो अलग चीज होती है एंगल के अंदर लिखा है प्लस ये लिखिए 5 cos 5x sin 5x और e x का डिफरेंशिएशन e x अब इस ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व करके खोल दीजिए ऐसा करते हैं ये इट पॉर एक्स इट पॉर एक्स कामन ले लेते हैं ये निकल रहा है डी टू वाई बाई स्क्वायर इसमें इट पॉर एक्स ले लिया हमने ठीक है आप सोचिएगा ये ट्वेंटी फाइव हो जाएगा तो माइनस ट्वेंटी फाइव साइन फाइव एक्स हो गया प्लस फाइव कॉस फाइव एक्स हो गया और प्लस फाइव कॉस फाइव एक्स होगा प्लस फाइव कॉस फाइव एक्स होगा प्लस साइन फाइव एक्स होगा हमने यहाँ ब्रैकेट खोल दिया है पूरा खोला इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन हो सकता है एक जैसे फंक्शंस दिए हुए हैं हो जाएगा ईट पॉल एक्स देखो माइनस ट्वेंटी फाइव साइन फाइव एक्स और प्लस वन साइन फाइव एक्स तो माइनस ट्वेंटी फोर साइन फाइव एक्स प्लस फाइव कॉस फाइव एक्स प्लस फाइव तो प्लस टेन कॉस फाइव एक्स एंगल में जोड़ दीजिएगा एंगल ऐसे लिखा रहेगा तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवेंथ अपने आप करिएगा बिल्कुल तो सेम है बिल्कुल सेम है एट पॉल एस एट पॉल सिक्स एक्स लिखा है बस अब एट्थ क्वेश्चन समझिएगा कहता है समझिएगाटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स अब आप कहेंगे इसमें क्यों लिख रहे हैं भूल गए थे कहीं कहीं लिख देना चाहिए कम से कम इसको भी एक रेस्पेक्ट देना पड़ेगा कहेगा हमको तो लिख ही नहीं रहे हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स सावधान। इसको हम फिलहाल देखिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग लिखते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसको क्या लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी डी बाई डी एक्स करना है इसका इसका करना है देखो तो इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस वन तो क्या लिखा जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस वन अब जरा पिछले वीडियो में जो बताया गया है उसमें ध्यान फरमाइएगा देखिए हमने कहा था जब भी होल पावर हो जब भी होल पावर हो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी अगड़म बगड़म तगड़म है उसको आप मन में x मान लीजिए जब भी होल पावर हो ये होल पावर माइनस वन है ना तो आप इसको मन में एक्स मान लीजिए एक्स, एन वन वन एक्स पावर एन का फॉर्मला लगाइए यानी पावर एन माइनस वन कर दिया ये भाई साहब एक्स तो थे नहीं हमने इनका नाम दिया था एक्स तो जैसे मैंने एक्स मान के इसको किया भाई साहब ने मुंह फुला लिया गुस्सा हो गए तो हमने इनको खुश कर दिया बोले चिंता मत करो यार एक्स माना था तो तुमको हम फिर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस टू इन वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स ये माइनस टू पावर है चाहे तो डिनोमीटर में शिफ्ट कर दें तो माइनस टू एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस इज योर आंसर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप डिवीजन रूल लगा दू भाग मेथड वो भी कर सकते हो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कॉन्स्टेंट है तो जब न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वैल्यू जीरो आएगी इसलिए वो मत लगाओ डायरेक्ट कर दो जब कभी एक्स का फंक्शन होता है तब ये करना हमारी जरूरी हो जाता है एथ क्वेश्चन नाइन्थ बता रहा हूं टेंथ अपने आप करेंगे रेंडमली हम बता रहे हैं नाइन्थ क्वेश्चन देखिएगा वाई इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स यानी ये जो लॉग एक्स होता है ना एक्स जगह ये लॉग एक्स लिखा हुआ है अब कहेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग समझिएगा जब हम यहां फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे मेरे पास फार्मूला होता है लॉग एक्स का इसको मन में हम क्या मानेंगे एक्स तो लॉग एक्स का वन अपान एक्स यानी वन अपान एक्स बोले तो लॉग एक्स कौन वाला है? ये वाला और इसको फिर डिफ्रेंशियट कर देंगे लॉग एक्स का तो आएगा लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स तो वन अपॉन एक्स लॉग एक्स तो अगेन डिफरेंशिएट जब करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जरा यहां समझिएगा आप रूल लगा सकते हो चाहो तो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता और चाहो तो इस पूरे स्टेप को ऊपर शिफ्ट कर दो क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता है अब आप कहेंगे बार बार कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्यों बोलते हैं अरे नहीं पड़ता इसलिए बोलते हैं तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स माइनस समझिएगा तो फिर होल पावर आ गया इसको मन में क्या मानेंगे एक्स एक्स पावर एन तो क्या हो जाएगा इसका माइनस वन इंटू एक्स लॉग एक्स टू पावर माइनस वन माइनस वन यानी कि माइनस टू लेकिन ये भाई साहब एक्स नहीं थे गुस्सा गए तो हमें इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स लॉग एक्स ठीक है माइनस इसको अपान में ले आओ जरूरत पड़ेगी अगर चाहो तो एक्स का होल स्क्वायर ये पावर में नहीं ध्यान रखिएगा ये देखिए यहाँ प्रोडक्ट लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू लॉग एक्स का वन अपान एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स और एक्स का वन x एक्स कट जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये कट जाएगा तो वन प्लस लॉग एक्स दिस इज योर आंसर चाहो तो इसको अंदर ले जाओ कोई जरूरत नहीं है दिस इज योर आंसर टेंथ अपने आप करोगे अलेवेंथ में प्रूफ है इसलिए अलेवेंथ हम बता रहे हैं अब जरा प्रूफ वाले क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्वेश्चन कहे क्या रहा है और हम कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे देखिए अलेवेंथ क्वेश्चन क्या है इलेवेंथ क्वेश्चन इसमें लिखा है यह गिवन है कि इफ वाई इज इक्वल टू दिया है इफ वाई इज इक्वल टू फाइव कॉज एक्स प्लस माइनस थ्री साइन एक्स फाइव कॉज एक्स माइनस थ्री साइन एक्स तो प्रूव करिए सिद्ध करना है आपको कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो समझिए इस प्रकार के क्वेश्चन लगते कैसे हैं देखिए नियम यह है कि हम दो बार डिफ्रेंशिएट करें यह अपने आप आ जाए दो बार तो करना पड़ेगा इसको ये तो मुझे मालूम है ये अपने आप आ जाए वाई अपने आप दिखेगा आपको नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे आप तो फिर हमारे पास मजबूरी है कि मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करूंगा और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लूंगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा वाई की वैल्यू रखूंगा दोनों को ऐड करूंगा रिजल्ट जीरो आना चाहिए ये तब हम करेंगे जब मुझे उसका आंसर नहीं आ रहा होगा जबकि नियम यह है कि ये आना चाहिए ठीक है जरा समझिएगा पहले तो डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन वन को प्रूफ करने जा रहे हैं देखो सोल्यूशन देखिए जरा वाई इज इक्वल टू है ये तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको करेंगे कितना आएगा फाइव कॉज एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स माइनस थ्री और साइनस क्या हो जाएगा कॉज एक्स ठीक अगेन चूंकि दो बार डिफरेंशिएट करना है इसको y2 भी लिखा जा सकता था इसकी जगह चाहे तो y2 भी लिख सकते थे ध्यान रखिएगा कहीं कहीं लिखा जाएगा अगेन डिफ्रेंशिएट करो जरा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू माइनस फाइव देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंसन कॉज एक्स तो कॉज एक्स लिख दिया माइनस थ्री कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स ये प्लस हो जाएगा ये साइन एक्स हो गया जरा स्कोर इसको देखो ध्यान से सेम चीज लिखी है आप कहेंगे हाँ लिखी तो है लेकिन एक दिक्कत है ये साइन चेंज है तो ऐसा करो ना यहां पर आप माइनस का मन ले लो तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा फाइव कॉज एक्स ये माइनस का हो जाएगा थ्री साइन एक्स और उधर क्या चल रहा था डी तो टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज टू माइनस ये क्या लिखा है दिस इज वाई वाई को उधर ले आओ तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो यही सिद्ध करना था ठीक है। हैं स्प्रूप से याद आया आपने इंग्लिश मीडियम की बुक में जब थ्योरम प्रूफ की होगी वहां कहीं कहीं पर हैंड जि क्यू ईडी लिखा होता है क्यू वो टीचर बताते हैं क्वेश्चन एंडेड एंड डन जी नहीं इसका मतलब होता है कोड क्यू ओ डी इसका मतलब होता है इरेक्ट ई आर ए टी इसका मतलब होता है डिमोन्स ट्रेंडम दिमांस ट्रेंडम ठीक है इसका मतलब होता वाज टू बी प्रूफ जो सिद्ध करना था खैर उससे मतलब नहीं हमको ये आपका इलेवेंथ क्वेश्चन है अब जरा टफ तो नहीं कहेंगे हम लेकिन थोड़ा टेक्निकल है ध्यान से समझिएगा ठीक है देखिए ध्यान से ट्वेल्थ क्वेश्चन कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स और कह रहे हैं कि डी टू आई वाइड निकालो लेकिन कंडीशन है कि भाई x को कर दो डी टू आई वाइड एक्स स्क्वायर निकालना है देखिए दो तरीके से मैं x को गायब कर सकता हूं कैसे अभी इसको डिफरेंशिएट कर दो पहले डिफ्रेंसिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x तो यहां क्या आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स और कॉज इनवर्स का माइनस वन अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है जरा सावधान यहां से x की वैल्यू क्या होगी cos y हो जाएगी भाई जब आपको y के टर्म में आंसर लाना है तो x को तो गायब ही करना अल्टीमेटली तो गायब कर दिया हमने तो माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई और वन माइनस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर वाई बाहर साइन वाई ऊपर जाएगा कॉसिक वाई तो माइनस कॉसिक वाई ये आया डी वाई बाई डी एक्स अब आप साफ साफ दिख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स में एक्स गायब हो चुका है वाई के टर्म में आंसर आ गया है अगेन डिफ्रेंशिएटिंग अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो यहां क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स वाई माइनस बार हमने जरा आप यहां सावधान हो जाओ देखो ये वाई का फंक्शन है और वाई के फंक्शन को जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करते हैं तो आपको बताया जाता है उसके साथ डिवाइवेड एक्स लिखते हैं इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन वहां बताया गया है वो हम इसमें लिंक में दे देंगे पढ़ लीजिएगा तो माइनस और cosec वाई का होगा माइनस कॉशेक वाई इंटू कॉट वाई यहां प्लस हो जाएगा cosec वाई इंटू कॉट वाई और इसके साथ क्या लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स चूंकि ये y का फंक्शन है और ये x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा था और होना चाहिए था y के रेस्पेक्ट में इसके लिए हमको ये करना पड़ा अब यहां डी ऑन डी एक्स की वैल्यू रख दो क्या है ये माइनस कौशिक वाई तो आ जाएगा आपका कॉसक वाई पहले से लिखा हुआ था इन टू कॉट वाई लिखा था और ये आया माइनस कॉशेक वाई इन टू में है तो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई तो ये आपका जो डी टू एवेडिक्स स्क्वायर है वो वाई के टर्म में मांग रहे थे इसलिए हमको करना पड़ा ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टींथ देखिए अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे वहां थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होने लगेंगे ध्यान से देखिएगा देखिए वाई इज इक्वल टू लिखा है थर्टीन क्वेश्चन देखिएगा y इज इक्वल टू लिखा है थ्री लॉग थ्री cos लॉग x प्लस फोर साइन लॉग x प्लस फोर साइन लॉग x ये दिया गया है ये पहला एक क्वेश्चन है ठीक और आपको प्रूफ क्या करना है प्रूफ कह रहे करो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो समझिएगा y1 वन का मतलब y का मतलब तो ये लिखा हुआ है y1 वन का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन y2 टू का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन अब दो बार यहां डिफ्रेंशिएशन करना है और नियम यह है यह चीज प्रूफ होकर अपने आप आ जाए ये चीज रिजल्ट आ जाइए नहीं आ पाएगा तब मजबूरी है मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा वाई वन निकालूंगा दो बार करूंगा वाई टू निकालूंगा और इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा वाई टू रखूंगा वाई वन रखूंगा वाई रखूंगा और जीरो आएगा यह तब करेंगे जब मेरी मजबूरी हो जाएगी कि हमको आ नहीं पा रहा है फिलहाल हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स अब एक बार डिफ्रेंशिएट क्या लिखेंगे वाई वन लिखेंगे क्या आएगा थ्री बाहर कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस फोर बाहर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स देखो थ्री जब हम कॉज लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला किस चीज का था कॉज एक्स का हमारे पास कॉज एक्स है इसको मन में हमने क्या माना एक्स कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स तो माइनस बाहर लगा दो साइन एक्स बोले तो लॉग एक्स फिर क्या करेंगे इसको लॉग एक्स को फिर करेंगे तो वन बाय एक्स आ जाएगा प्लस फोर साइन इसको मन में एक्स माना तो इसका क्या आएगा कॉज लॉग एक्स और लॉग एक्स का वन x एक्स देखो यहां भी अपान में एक्स यहां भी अपान में एक्स है पूरे में एल्सियम लेंगे तो एक्स रहेगा नीचे लेकिन दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूल लगेगा तो मैंने अपान वाले एक्स को ना इधर शिफ्ट कर दिया तो ये क्या हो गया ये एक्स इधर आ गया तो आ गया एक्स वाई वन इज इक्वल टू तो माइनस थ्री साइन लॉग एक्स प्लस फोर कॉस लॉग एक्स अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करूं क्योंकि तो वाई टू तो लाना है हमको तो दो बार डिफ्रेंसिएट तो कर नहीं करना पड़ेगा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग अगेन डिफ्रेंसिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स जरा सावधान यहां पर दो फंक्शन आ गए एक एक्स है एक वाई वन है तो आप क्या लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा वाई टू प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स का क्या हो जाएगा वन इज इक्वल टू यहां पर आओ माइनस थ्री देखो ध्यान से थोड़ा सावधान। अब कर रहा हूं। साइन ये एक्स होता है इसका कॉज एक्स हो जाएगा कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स यहां पर आइए कॉज एक्स है माइनस साइन एक्स तो माइनस का फोर साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का वन अपान एक्स देखो एक तो 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 फिर एक्स अपान में आ गया इस एक्स को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा ये यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू यहां से माइनस काम ले लो तो क्या आएगा थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर साइन लॉग एक्स थ्री कॉज लॉग एक्स फॉर फोर साइन लॉग एक्स की वैल्यू क्या है वाई ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है वाई तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वाई को तो शिफ्ट कर दो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो हैंड्स प्रूफ हो गए राजा बेटा नहीं होगा तो मजबूरी वैल्यू रखनी पड़ती है ठीक है ये क्वेश्चन नंबर था थर्टीनथ अब देखिए फोर्टीनथ अब हम लगभग दो तीन क्वेश्चन है पूरे बताएंगे सावधान होकर लगाइएगा टफ नहीं है फिर हम बता दें प्रूफ दैट देख करके ही आप सरेंडर कर दोगे पसीना निकल आएगा आपको तब तो भाई एक मरगिला कुत्ता भी होगा अगर आप उसके आगे आगे भागोगे तो काटने के लिए दौड़ेगा और अगर आप लाठी लेके खड़े हो जाओगे तो हाथी भी एक बार अपना रास्ता बदल लेगा ध्यान रखिएगा तो ये क्वेश्चन इसका नाम ही माथेमेटिक जो मस्तक पे टिक लगा दे ठीक है प्रोगों को ऐसा कर देता है इसलिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिएगा फोर्टीन क्या दिया है वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए एट पावर एम एक्स ए इट पावर एम एक्स प्लस बी ईट पावर एनएक्स और शो क्या करना है टू शो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जीरो फिर समझ लीजिएगा यह जरूरी नहीं है कि मैं दो बार डिफ्रेंशिएट करूं रिजल्ट आ जाए दोबारा ये हमको देखना पड़ेगा कि हम इसमें क्या करें कि ये रिजल्ट आ जाए नहीं आएगा तो वैल्यू रखनी पड़ेगी बहुत ज्यादा आप दिमाग नहीं लगाएंगे सिर्फ भी कोशिश करेंगे इसको दिमाग लगाएं पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू तो एक्स ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर एम एक्स क्या होगा एम ईट पावर एम एक्स प्लस बी पावर का एन ईट पावर तो यानी डी वाई वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई एम एट पावर एम एक्स प्लस एन बी ईट पॉर एनएक्स ये एक बार डिफरेंसिएशन हो गया ठीक है अगेन डिफ्रेंसिएटिंग एक मिनट देखिए यही लिखा हुआ है इट पॉर एमएक्स हाँ ठीक है यही लिखा हुआ है अगेन डिफ्रेंसिएटिंग तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर एट पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ईट पावर एनएक्स अब यहां एक लफड़ा है आप इस वैल्यू को दोबारा यहां लाने में दिक्कत हो रही है आपको ठीक है ये वैल्यू दोबारा यहां नहीं आ पा रही है क्योंकि बहुत कॉमन वगैरह प्लस माइनस करना पड़ेगा तो एक टफनेस ये दिखाई पड़ रही है यहां पर ठीक है तो आपके पास मजबूरी है कि आप इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाइए और वैल्यू रखकर इसको जीरो प्रूफ कर दीजिए और कोई तरीका यहां पर फिलहाल दिख नहीं रहा हमको ठीक है तो देखिए प्रूफ क्या करना है ये प्रूफ करना है जो प्रूफ करना है आपको डी टू वाई बाई करना स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डीवाई बाई डीएक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जीरो मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया टेकिंग एल हमने क्या कहा था कोशिश करिए कि ये आ जाए हो सकता है कुछ लोग बताएं और बहुत ज्यादा अमेंडमेंट करके प्लस माइनस करके ले भी आए आ सकता है ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन माने बहुत दिमाग लग रहा है और हमारे पास बोर्ड का मामला है टाइम कम है तो आप वैल्यू रख दो उठा करके तो हमने एल ले लिया ठीक अब वैल्यू रखते हैं डी टू आर क्या निकली है ये निकली है एम स्क्वायर ए टू पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ईट पावर एन एक्स ये डी टू वाई डी निकला है माइनस एम प्लस एन डी वाई वाई डी एक्स क्या निकला है ये निकला है इधर देखिए जरा बहुत थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा ये एन एस दोबारा लिखना है यहां पर तो यह आएगा एम स्क्वायर एट पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी इट पावर एनएक्स माइनस एम प्लस एन डिआड एक्स क्या निकलेगा एम एट पावर एम एक्स प्लस एन बी ईट पावर एनएक्स प्लस डिड एक्स हो गया फिर क्या चाहिए आपको एम एन वाई एम एन और वाई क्या निकलेगा वाई है आपका ए ईट पावर एम एक्स प्लस बी ईट पावर nx अब आप सब ब्रैकेट खोल दो और मल्टीप्लाई करोगे अपने आप कटपीट के सब जीरो आ जाएगा ठीक है कर लेंगे कि हम कर दें बोले तो अच्छा इतना टफ लड़का के बता रहे हो अपने आप कर लो नहीं कर पाएंगे आप करिए इसको मैं करता हूं इसको देखो ध्यान से ये तो अकेला है लिखा रह दो एम स्क्वायर एट पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ईट पावर एनएक्स देखिए माइनस का एम अंदर जा रहा है तो माइनस का एम स्क्वायर एट पावर एम एक्स और माइनस का एम एन माइनस का एम एन बी ईट पावर एनएक्स हो गया अब ये माइनस का एन अंदर जा रहा है माइनस एम एन एट पावर एम एक्स माइनस अब ये समझेगा इतना बड़ा क्वेश्चन अरे भाई अल जब रहा है कि खोल रहे हो और ब्रैकेट खोलना आपको क्लास सिक्स से सिखाया जाता है इसलिए ज्यादा दिमाग बद लगाइएगा आप एन को अंदर ले जाओ माइनस एन स्क्वायर बी इट पावर एन एक्स इसको खोलो प्लस एम एन एट पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ईट पावर एनएक्स देखो ध्यान से एम स्क्वायर एट पावर एम एक्स एम स्क्वायर एट फॉर एम एक्स कैंसिल हो गया एन स्क्वायर बी प्लस का एन स्क्वायर बी प्लस का कैंसिल हो गया एम एन बी माइनस का एम एन बी प्लस का एम एन ए माइनस का एम एन ये सब कट गया इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिस इज प्रूफ ठीक है इसके बाद फिफ्टीन क्वेश्चन को दो बार डिफरेंट करो अपने आप आ जाएगा सिक्सटीन क्वेश्चन देखिएगा थ क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे हमने सोचा दो वीडियो में ब्रेक करने से बेहतर है एक पूरी साइज हो जाए e टू पावर वाई एक्स प्लस वन ई टू पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन ये गिवन है ठीक है और प्रूफ करना है टू प्रूफ डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एक लफड़ा यहां पर देखिए लफड़ा यह है कि भाई ईट पावर वाई यहां घुसा हुआ है जब आप डिफ्रेंसिएट करोगे हर जगह ईट पावर वाई आएगा तो थोड़ा अमेंड करो देखिए ईट पावर वाई को वन अपॉन वन एक्स प्लस वन ले सकते हो और इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दो इसको लिखेंगे लॉग एक्स प्लस वन इनवर्स ये क्या लिखा है एक्स प्लस वन इनवर्स इज इक्वल टू वाई यानी वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस वन ये काम खत्म एट टू y वाई का ये लॉग लेना आपको आता है आपने छोटे क्लास पढ़ा है अगर ट्वेंटी फाइव हो इसको लॉग लिखते हैं लॉग ट्वेंटी फाइव टू बेस ई इज इक्वल टू फाइव यहां पर बेस ई e हो जाएगा ठीक है अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो देखिए यह आएगा डी वाई बाय डी एक्स माइनस लिखा रहने दो डी बाई डीएक्स ऑफ लॉग एक्स टू लॉग एक्स, एक्स प्लस वन टू बेस ई तो एक मिनट जरा इसको रिफिल कर दें बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, लगता है एक घंटे करीब होने जा रहा है कोशिश करेंगे अब मेरा मतलब था कि पूरा वीडियो एक ही कि उसमें आ जाए देखिए ये माइनस मैंने इसको एक्स माना तो लॉन्ग एक्स का वन अपान एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन करेंगे तो वन आ जाएगा ठीक है अगेन डिफ्रेंशिएटिंग कर देंगे तो आएगा डी टू दी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजिक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस बाहर कर दो और वन अपान एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन पा माइनस वन लिख सकते हैं माइनस इसको आपने x फॉर एन माना तो आएगा माइनस एक्स प्लस माइनस वन माइनस वन इसको लिखा ब्रैकेट में ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस टू आएगा तो वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ये क्या आया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और जब डी वाई बायस का होल स्क्वायर करोगे तो ये भी वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा तो आप लिखेंगे सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर तो ये इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हो सेवनटीन क्वेश्चन देख लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज हमने पहले सोचा था कि हम दो वीडियो में इसको ब्रेक करेंगे एक्साइज को लेकिन मन आ गया कि पूरा एक ही में कर देते हैं इसको रोक रोक के पढ़ लीजिएगा मैं जानता हूं कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो थक भी सकते हैं क्योंकि आजकल स्टूडेंट थकते बहुत हैं ठीक है चीके? आधे घंटे एक घंटे करने बाद व्हाट्सएप ये सब जब तक नहीं सामने आएगा तो दिक्कत आएगी तो देखते रहिएगा व्हाट्सएप भी रास्ते में बीच बीच में यूट्यूब भी देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें ठीक है मैं थोड़ा मुस्कुराता कम हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन लगा रहा हूँ देखिए सेवनटीन क्वेश्चन कह रहा है कि वाई इज इक्वल टू टेन एक्स का होल स्क्वायर ठीक है और प्रूफ कह रहा करो टू प्रूफ क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन इज इक्वल टू टू ये प्रूफ करने के लिए हमसे कह रहा है तो फिलहाल तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं देखिए जब आप डी वाई बाई वाई वन का मतलब एक बार डिफरेंसिएशन वाई वन करिए तो क्या लिखेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर देखो जब भी होल पावर होगी अभी हम बता चुके हैं कि उसको एक्स मानेंगे तो इसका आएगा टू इन टू टेन इनवर्स एक्स की पावर टू माइनस वन और टेन इनवर्स एक्स को फिर डिफ्रेंसिएट करेंगे तो आएगा टू इन टू टेन इनवर्स एक्स तो इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया वाई वन ठीक अब दोबारा जब डिफ्रेंसिएट करेंगे तो यहां डिवीजन रूल लगाएंगे उसे बेहतर है वन प्लस एक्स स्क्वायर इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स इसको अगेन डिफ्रेंसिएट करो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग अगेन डिफ्रेंसिएट करिए ये टू प्रूफ करना है देखिए या दो फंक्शन आ गए तो फर्स्ट फंक्शन वन प्लस एक्स स्क्वायर और वाई वन का डिफरेंसिएशन वाई टू हो जाएगा प्लस सेकेंड फंक्शन वाई वन और एक्स का क्या हो जाए इसका वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स इज इक्वल टू यहां टू है और टैन इनवर्स एक्स का वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर इसको इधर ले आओ आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू टू क्या प्रूफ करना था यही प्रूफ करना था ओके तो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है करीब एक घंटे का लगभग हो गया होगा ओके कर लीजिएगा हम भी थक गए हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश करें लेकिन ये तभी आएगा जब आप कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे ओके okay? क्योंकि मैथमेटिक्स इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है ओके थैंक यू